हाय एवरीवन दिस इज़ रॉनिका आज का टॉपिक है हमारा एक स्टडी हुई है जहाँ पे सोशल बिहेवियर मेल एशियन एलिफेंट्स का स्टडी किया गया है अब अफ्रीकन एलिफेंट्स भी होते हैं एशियन एलिफेंट्स भी होते हैं लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एशियन एलिफेंट्स की बात करेंगे और डिस्कस करते हैं कि क्या रिसर्च में पाया गया है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा रिसेंटली रिसर्चर्स जो हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने सोशल बिहेवियर मेल एशियन एलिफेंट्स का पढ़ा है अब आप अगर देखें कि एलिफेंट्स के बिहेवियर को पढ़ने की क्या ज़रूरत है तो बहुत बार मैंने वीडियोज़ बनाए हैं एनिमल यहाँ लिखती हूँ मैं एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट स्पेसिफिकली जैसे टाइगर्स के साथ ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट होता है टाइप के साथ होता है एलिफेंट्स के साथ होता है तो एलिफेंट्स के साथ भी हम बहुत सारा कन्फ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन्स का देखते हैं अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो एलिफेंट्स के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस टू कंजर्व एलिफ़ेंट्स कन्जर्वेशन एफ़र्ट्स में भी हेल्प करेगा अगर हम इनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानेंगे यूजली अफ्रीकन एलिफेंट्स एशियन एलिफेंट्स ये इनके बारे में हम जानते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है और हम यूजली यही मान लेते थे कि जो भी स्टडी अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए सही है वो सेट बैठती है हमारे एशियन एलिफेंट्स पर भी लेकिन रिसेंटली बहुत सारी स्टडी जो है एशियन एलीफेंट्स पर शुरू की गई और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आफ्रीकन एलिफेंट से पाए गए तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है विद टाइम क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे कभी एलिफेंट्स के घर होते थे फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट्स हो रही है ह्यूमन्स एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू डेवलपमेंट तो यहाँ पर सोशल बिहेवियर समझना एलिफेंट्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाईली सोशल एंड डेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स तो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कंजर्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए क्योंकि ये सोशल एक तो हाईली सोशल एनिमल्स हैं और एंडेंजर्ड भी हैं और ये इम्पॉर्टेंट है अब देखिए पहले जो भी है ये इकोलॉजिकल निशेज जो भी जहाँ पे रहते थे जो इनके हैबिटाट्स हैं मूव भी करते हैं एलिफेंट्स ग्रुप में पहले हम इनको जो अफ्रीकन सेवना काउंटर पार्ट है वैसा समझते थे जो चीज़ मैंने आपको बताई लेकिन अब हमको धीरे धीरे पढ़ के समझ में आ रहा है कि इनके एडोप्टेसन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अलग हैं और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अफ्रीकन सेवना एलिफेंट्स पे नाइनटीन में हुई लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टडी जैसे जो हरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है बेंगलुरु में ये भी इस तरह के एविडेंस स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं जो हमको बताते हैं दे डिफर इन देयर बिहेवियर फ्रॉम द अफ्रीकन एलिफेंट्स आल्सो अब यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं एशियन एलिफेंट्स जो हैं जनरली अगर आप देखेंगे मिक्स्ड ग्रुप्स में मूव नहीं करते अफ्रीकन एलिफेंट्स करते हैं मेल फ़ीमेल एलिफेंट्स साथ में ग्रुप्स में हर्ड्स में मूव करते हैं लेकिन एशियन एलिफेंट्स जनरली डू नॉट मूव इन मिक्स्ड ग्रुप्स मिक्सड ग्रुप्स किसको कहा गया है मेल्स और फीमेल्स को और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को स्मेल से ट्रैक करते हैं उनकी खुशबू से उनको ट्रैक करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं वेन दे आर इन मस्त टू फाइंड फीमेल्स मस्त क्या होता है जब इनके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो है वो काफी हाई होते हैं नॉर्मली से सिक्सटी टाइम ज्यादा हाई भी हो सकते हैं वेन दे वॉन्ट टू मेट दे वॉन्ट टू ब्रीड तो उस टाइम पे दे गो लॉन्ग डिस्टेंसेज टू ट्रैक फीमेल्स और यूजली फीमेल्स को ट्रैक करते हैं फ्रॉम देयर स्मेल ये जो जे एन सी ए एस आर की स्टडीज़ है वो ऐसा बताती हैं और नेक्स्ट चीज़ वेन दे डू मीट मेल्स चेक फीमेल्स और जब मेल्स फीमेल से मिल जाते हैं उनको ट्रैक कर लेते हैं तो उनको चेक करते हैं और समटाइम्स उल्टा भी होता है फ़ीमेल्स भी मेल्स को चेक करती हैं कि प्रॉब्बली कि इनकी फर्टिलिटी कैसी है पॉसिबली आइडेंटिटी क्या है और रेयरली जो होगा इससे उनकी उनके बीच में मेटिंग होगी उनके मस्त पीरियड में अब समटाइम्स यहाँ पे क्या है मेल कई बार फीमेल्स को ट्रैक करके उनके पास पहुँचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो मेट भी करेंगे कई बार वो फीमेल के ग्रुप्स के साथ ही मूव करते रहते हैं कि फीडिंग होती रहेगी खाना ना जो ये लोग आगे करता है, तो ये फीड करते रहते है। है, एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच में क्योंकि रिसोर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है यूजुअली ये बहुत बड़े ग्रुप्स में भी मूव नहीं करते क्योंकि शायद उनको उतने रिसोर्सिस नहीं मिल पाएंगे देखिए अफ्रीकन सेवना एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वहाँ पे जो यंग मेल्स हैं यंग एलिफेंट्स जो हैं वो ओल्ड एलिफेंट्स के साथ चलते हैं प्रॉबेबली ये रीज़न हो सकता है क्योंकि ये सोशल एनिमल्स हैं तो सोशल लर्निंग बड़े एनिमल्स से बूढ़े एनिमल्स से उनको सीखने को ज़्यादा मिलता है लेकिन एशियन एलिफेंट्स में ये चीज़ नहीं देखी गई है कि यंग मेल्स कंपनी करेंगे ओल्ड जो एल्डर बूढ़े वाले जो एलिफेंट्स हैं उनको इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे समराइज किया इन्होंने यहाँ अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम एसोसिएटिंग विद फीमेल्स तो यहाँ पे यंग मेल्स ज़्यादा टाइम यंग एलिफेंट्स फीमेल एलिफेंट्स के साथ साथ बिताते हैं या मिक्स्ड सेक्स ग्रुप्स में बिताते हैं देन अदर मेल्स बाकी मेल्स जो ऑल मेल ग्रुप्स है उससे ज्यादा उनके साथ ज़्यादा नहीं रहते मिक्सड ग्रुप्स में यंग मेल्स रहते हैं ओल्ड मेल्स के लिए दो प्रोपोर्शंस यहाँ पे सिमिलर हैं वाइल्ड मेल्स वेट एट रैंडम इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल्स द बिहेवियर एंड फीमेल्स वर नॉट प्रेजेंट वॉज डिफरेंट तो यहाँ पर दो चीज़ें देखी गई कि मेल्स जब मेल्स के साथ में है उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है जब फीमेल्स की प्रेजेंस है तो एनिमल्स का बिहेवियर मेल एलिफेंट्स का बिहेवियर अलग है उसके बाद जो ओल्ड एलिफेंट्स हैं यहाँ पर वो ओल्ड मेल्स के साथ रहते हैं ओल्ड एंड यंग मेल्स एक दूसरे से यू नो एक्स मिलेंगे बाय चांस ऐसे ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं चलेंगे जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स चलते हैं ये चीज़ देखी गई यंग मेल्स भी एक ही ज एक दूसरे से बाय चांस मिलेंगे बिकॉज क्या बताया था दे प्रेफर मूविंग इन मिक्स्ड ग्रुप्स और विद द फीमेल्स अब देर वॉज नो एविडेंस दैट यंग मेल्स स्पेंड मोर टाइम विद ओल्ड मेल्स तो हमें यहाँ पे एशियन एलिफेंट्स में कोई एविडेंस नहीं मिला कि यंग मेल्स ओल्ड uh, मेल्स के साथ टाइम बिताते हैं या यंग मेल्स के साथ बिताते हैं और प्रेफरेंशियली ऐसा कोई इनिशिएशन जो है एसोसिएशन जो है ये शुरू भी नहीं करते यंग एलिफेंट मेल्स तो ये सब स्टडीज़ जो हैं यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं इनका सोशल बिहेवियर देखने के लिए कि कहीं पे कोई ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है तो आप उनको समझ सकते हैं कि इसमें मेजर प्रोपोर्शन किन एनिमल्स का होगा ओल्ड एलिफेंट्स होंगे या यंग एलिफेंट्स होंगे फ़ीमेल्स कितनी होंगी क्या बिहेवियर रहेगा और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इस ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन ऑन मेल ग्रुप साइज़ अब मेल ग्रुप क्योंकि एलिफेंट्स ग्रुप्स में मूव करते हैं उसके साइज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन है सिमिलर रिस्ट्रिक्शन आपको दिखेगा फ़ीमेल ग्रुप साइज़ जो काबिनी में इन्होंने देखा उसमें भी और ये इंपॉर्टेंट है कि इनका ग्रुप छोटा रहता है फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इसलिए ये बहुत लार्ज ग्रुप्स में मूव नहीं करते दिस इज़ इम्पोर्टेंट इंड सजेस्ट दैट द फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट इट लिमिट्स लार्ज ग्रुप्स एलिफेंट्स फ्रॉम फीडिंग टूगैदर क्योंकि फूड कम होगा तो लार्ज ग्रुप साथ में फ़ीड नहीं कर पाएंगे इसलिए ग्रुप का साइज कम रहते हैं ये जो स्टडी है इसमें वन थर्टी एट इंडिपेंडेंट साइटिंग्स देखी गई हैं एलिफेंट्स की उस पर ये कंक्लूजनस की गई हैं ऑल मेल ग्रुप्स ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड uh, तो ये वाली फाइंडिंग इनको यहाँ से मिली है और भी बहुत सारी साइटिंग्स इंडिपेंडेंट साइटिंग्स एलिफेंट्स की की गई हैं उनको स्टडी किया गया है और अलग अलग हाइपोथिस जो हैं दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे एडल्ट मेल एलिफेंट्स को लेके दी हैं जो ग्रुप में साथ रहते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करके रिलैक्स सेटिंग में मूव करेंगे और यंग मेल्स एसोशिएट करेंगे और सोशली लर्निंग फ्रॉम ओल्डर मेल्स तो जिस तरह से अफ्रीकन का ये रहता है तो दो प्रोपोजिशन हमारे पास यूजली एलिफेंट्स को लेकर रहती हैं लेकिन जैसे हमने बताया कोई एविडेंस नहीं है यंग मेल्स का कि वो ओल्डर मेल्स के साथ जाते हैं अब इस स्टडी में किन एलिफेंट्स को लिया गया है अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो फिफ्टीन टू थर्टी ईयर्स को यंग एलिफेंट कहा गया है और थर्टी ईयर्स से ऊपर जो है उनको ओल्ड uh, एलिफेंट कहा गया है और ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स कैसे देखे गए कैसे पता चलेगा किसी एलिफेंट की क्या एज है उसकी शोल्डर हाइट देख के बॉडी लेंथ देख के स्कल साइज़ देख के स्किन में कितने फोल्ड्स हैं इससे उनकी एज का एस्टिमेट लगाया जा सकता है और कुछ सेमी कैप्टिव एलिफेंट्स रहते हैं स्टडी एरिया के आसपास उनसे भी अंदाज़ा लग जाता है और फील्ड डेटा जो 2009 और 14 के बीच में था उसको देख के भी पता चल जाता है क्या ये सेम एनिमल है इसका कितना एज होगा राइट right? इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स उसमें डिस्कस किए थे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं एशियन एलीफेंट साइज़ में अफ्रीकन से थोड़े छोटे रहते हैं तो डिफरेंट शिलानकन सुमात्रन एलिफेंट इस तरह के अलग अलग एलिफेंट्स हैं क्योंकि हम एलिफेंट्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्स पे बात करते रहते हैं अब ऑगस्ट ट्वेल्व को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है ये आपके इंफॉमेसन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो अभी एक स्टडी थी जिसके नॉर्मल आपको मैंने क्या उसमें पाया गया सोशल बिहेवियर में ये हमने बताया और ये सब जानना क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप कहीं पे भी जब हम एनिमल कंजर्वेशन की बात इंडिया में करते हैं चाहे टाइगर लेपर्ड एलिफेंट वहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं अब इन दो तो स्टेटमेंट्स को देखिए देर आर थ्री सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स विच आर द इंडियन सुमातृन श्रीलंकन नंबर टू देर आर टू सब स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन सेवना और बुश एलिफेंट एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट तो आपने अगर पहला वाला लेक्चर भी देखा है मेरा एलिफेंट्स पे तो आप इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए अदरवाइज टेलीग्राम पे इसका आंसर पोल एक होगा वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा और पी भी आपको वहीं मिलेगा स्टडी आई क्यू आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे ई एम आई भी अवेलेबल हैं जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं उन पर कॉल करके आप डिटेल में सारी जानकारी कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं थैंक यू सो मच